दोस्तों, चाहे कोई भी आंदोलन हो, शुरुआत में बहुत साइलेंटली स्टार्ट होता है, लेकिन दिन भर की धूप को बर्दाश्त करने के बाद, रात की ठंड को बर्दाश्त करने के बाद, आंदोलन करने वालों के सब्र का बांध टूट जाता है। उसके बाद वो आंदोलन थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है। किसानों का आंदोलन भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जो किसान शुरुआत में बहुत साइलेंटली, बहुत ही उम्मीदों के साथ बैठे थे, लेकिन उनकी मांगे अब तक ना पूरी होने की वजह से सारे किसान बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, और उनकी बातों में उनका आक्रोश दिखाई दे रहा है। सुन ले, अरे हम तो वो किसान के बेटे हैं कि धरती का सीना चीर के अनाज उगा दे। अरे हमें तो इन बाबाओं ने रोक रखा, वरना हम तो संसद में भी खेत बना दे। हाँ मोदी जी, हमें डराता है पानी की बौछारों से। उसको बता देना मोदी जी को और योगी जी को कि हम तो उसके बेटे हैं जो सुबह उठ के कुल्ला करते हैं ट्यूबवेल की धारों से। तो ये डरा रहे हमें। और मोदी जी सुन लो कि तुम जो कितना भी देश को डिजिटल कर देना, गूगल से रोटी डाउनलोड कोई नहीं कर सकता। ये किसान ही रोटी पैदा करेगा। अगर करा सकते तो करा लो, वरना भूखे मार देंगे, आग लगा देंगे फसल में। फिर नागपुरिया भेज लियो वे कच्चे धारी बनियान वाले बॉर्डर पे। अगर हमने अपने बेटों को बुला लिया तो आरएसएस वाले चले जाइए वहाँ, जो नागपुर का आदेश या दे रहे हैं हमें। हम तो किसान के बेटे, वहाँ भी लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे। विकलांगों का 11 करोड़ विकलांग है, अगर किसानों की मान मान ले, वरना तेरी जान को 17 मार्च को जंतर मंतर पे आ रहे तेरे चाचा विकलांग। और हमारे वाले ना डरे किसी बाबा से। अरे ये कोई हनुमान जी तो है नहीं, सीना पाड़ के दिखा दे है? अरे किसान की क्या आईडी देखे है? आ जा अपने फुफ्पाओं को भेज दे, तहसीलदारों को, सबकी आईडी ले लेगा, सब पे फर्द आएगी। जब मुझे बुरसेट नहीं चाहिए तो ये क्यों मुझे बुरसेट दे रहे? अरे हम तो धोती कुर्ते में ठीक है, है? बता दे भाई है? अरे जब हम तुझे नू कह रहे अगर मंदिर मत ना बनावे, तो जबरदस्ती मारे सिर पे मंदिर क्यों ठोक रहा? हम तो वहीं जमीन पे पूजा कर लेंगे बैठ के।